Hello student, so in this video we will discuss the numericals of the topic that we previously did, curvature and radius of curvature. मैंने ये दो टॉपिक आपको पढ़ाए थे, अब इसके मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा. यहाँ पर मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई थी, बेसिक. आई टॉट यू द बेसिक्स. देन द टॉपिक वॉज फॉर पैरामेट्रिक कर्व्स आई हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड देन एट ओरिजिन बाय न्यूटन्स मेथड. सो फर्स्ट आई विल बी टेकिंग द radius of curvature for parametric curves. I'm gonna take this numerical for now. So my numerical goes like this: find the radius of curvature at any point theta of the cycloid. X is equal to a theta plus sine theta, y is equal to a 1 minus cos theta. अब मेरे को सीधा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है. Now first of all, you don't have to get confused by watching this theta. This is not a polar curve question because we have x and y, there is no r theta here. So this is a non-polar, this is basically Cartesian form. So you don't have to use the polar formula, because watching this theta might arise a question in your mind, like why can't we use, right? Why can't we use the polar? Because it's not a polar equation. So if only the theta is given, this doesn't mean that we have to use the polar form. Now start. In my formula, I had x dash, y dash. First derivative bhi karna tha aur second double derivative bhi mujhe chahiye tha. Mere ko jo mera formula tha, usme ye do cheeze chahiye thi. To hota kya hai, ab ye cheez mujhe formula ke liye chahiye, to main inko calculate kar leta hu. Yahan par agar main dekhu, if I have to calculate the first derivative of x, this means dx by d theta, because the variable used here is theta. There could be any other variable present in any other question. तो ये चीज आपकी हो सकती है, कोई भी अलग वेरिएबल हो सकता है. लेट से यहां पर z हो सकता था, कोई भी अलग एक वेरिएबल हो सकता था जो कि आप को जिसका निकालना होगा. अब होगा क्या यहां पर, इसका अगर मैं करूं a तो एज इट इज ही रहेगा, थीटा को डिफ्रेंशिएट किया तो 1, साइन थीटा को अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा बिकम्स कॉस थीटा. नाउ आई विल डू द डबल डिफरेंशिएशन. सो हेयर दिस वन विल बिकम जीरो व्हेन डिफरेंशिएटेड एंड दिस कॉस थीटा विल बिकम नेगेटिव साइन थीटा. सो आई विल जस्ट राइट साइन थीटा एंड दिस, बिकॉज जीरो प्लस नेगेटिव साइन थीटा, I've just cancelled out zero and written it like this only. Now, y dash dy by d theta. अब इसमें क्या है आपका, यहां पर भी देखूं तो यहां पर तो वन है तो ये तो पहले ही हट जाएगा. a sin theta d square y d theta square, ये आपका आ जाएगा a cos theta. तो आई होप दिस मच कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. सो इफ आई सी माई फॉर्मूला, मेरा रो है एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर 3/2, एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश. सो दिस इज हाउ इट गोज लाइक. अब यहां पर मुझे एक्स डैश वाई डैश की वैल्यूज में पुट कर लेता हूं, तो यहां पर आ गया ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये मैंने यहां पर पुट कर दिया, प्लस ये मैंने यहां पर थ्री बाय टू, यहां पर भी देख लेते हैं. यहां पर ये कॉस थीटा ही रहेगा ना, ठीक है. और यहां पर y डैश ये था a साइन थीटा और ये है नेगेटिव, तो ये भी आपका पूरा बन गया, पॉजिटिव हो गया यहां पे. नाउ आई विल हैव टू सॉल्व दिस टू गेट माय आंसर. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक a कॉमन, राइट. सो आई हैव टेकन a आउट, तो ए आउट मैंने लिया है. अब इसमें अगर देखेंगे आप, तो ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा बाहर,
लेने के लिए लूंगा, तो यहां पर 3/2 की पावर भी आएगी, तो ये कैंसिल आउट होगा और यहां पर 3 बचा होता, इधर से भी ए स्क्वायर कॉमन लिया होता, तो ये कुछ इस तरह हो गया होता, और इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा, सो आई विल जस्ट गेट ए हेयर. सो आई होप दिस बेसिक कैलकुलेशन इज क्लियर टू यू. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई हैव टू सॉल्व दिस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आई विल यूज एंड आई विल गेट माय आंसर. सो इन माय नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई हैव डन इज cos square theta plus sin square theta is 1, 1 plus 1 becomes 2, and cos square theta sin square theta again becomes 1 here. So this is what I have done. Now what I can do is I can take this 2 outside, this will become 2, 3/2, so I can say it like this, 2√2, ye ho gaya, yahan par 1 plus cos theta mera ho gaya, niche 1 plus cos थीटा था, यहां पर जो है बट इसकी वैल्यू है 3/2. अगर इसको देखूं तो मतलब ये एक तो स्क्वायर होगा और एक रूट में होगा, तो फाइनली मैं क्या कर सकता हूं, इसको कट कर सकता हूं. कट करा तो मैंने यहां पर, इफ आई जस्ट स्किप सम कैलकुलेशंस, आई विल गेट दिस बिकॉज इट वॉज 3/2 एंड द डाउन वॉज इन द डेनोमिनेटर इट वॉज 1, सो आई कुड कैंसिल आउट, आई विल गेट 1/2. यहां तक मेरा हो गया, तो ये मेरा आंसर, आई कैन राइट इट एज माई आंसर, या फिर इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2, फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया, तो यहां पर सीधा हो गया 4a cos थीटा बाय, दिस कैन बी माई फाइनल आंसर. सो 4a cos थीटा बाय 2. सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, द न्यूमेरिकल इज क्लियर. दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द न्यूमेरिकल्स दैट कम. अब यहां पर इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूं, आई टीच यू अनदर न्यूमेरिकल फॉर द टॉपिक न्यूटन्स मेथड एट ओरिजिन फाइंडिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो यहां पर ये क्वेश्चन है मेरा जिसमें फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, मुझे ओरिजिन पर फाइंड करना है, मुझे ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं. अब सबसे पहले ये, हालांकि मैं देखूं तो एक फर्स्ट पार्ट मेरा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और एट ओरिजिन मुझे निकालना है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड द टेंजेंट. टेंजेंट का जो तरीका था That was, you had to put the lowest degree term is equal to 0. तो आप tangent find कर लेंगे. अब यहां पर lowest degree term है 4ay is equal to 0. तो y is equal to 0. This means x एक्सिस इज माय टेंजेंट. तो अब पता लग गया x एक्सिस मेरी टेंजेंट है. फॉर्मूला पुट करूंगा, रो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर बाय 2y, ये मेरी लिमिट है. अब यहां पर अगर देखें लिमिट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, सो आई जस्ट पुट द लिमिट x टेंड्स टू 0 x square is equal to 4ay by 2y, y cancel out, this will give me my answer 2a, that is my radius of curvature. So this point at which we are evaluating is origin. So at the origin x was also tending to 0 and y would have also tended to 0 if there was any values of y were present. Now we will take the second question. अब second question में देखते हैं कि क्या होता है. So second question में सबसे पहले मेरे को radius of curvature at origin निकालना ही है, मुझे पता है. तो first I'll find the tangent. Tangent के लिए again lowest degree term is put equal to 0. So here the lowest degree term is 3x is equal to 0. This will give me x is equal to 0. This means that the tangent is at y
axis. So y axis is my tangent. Now, according to this thing, we will put the formula Newton method. By Newton's method, the radius of curvature is equal to limit y tending to 0 y square by 2x. Now here, agar y square dekhun, this is y square and I will just shift everything to RHS. So limit y tending to 0. So this will be 3x, 4y cube, this goes here 3x square y, and this also goes here minus 2x cube. Here I will have 2x. What I can do is I can just shift this to here. So this will be 2 rho limit y tending to 0. Okay, just let's have it here, right? यहां पर मेरा आ जाएगा x से x कैंसिल हुआ तो 3 4 स्क्वायर ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा. सो नाउ आई विल पुट द लिमिट्स. अब यहां पर y टेंडिंग टू 0 है तो x भी टेंडिंग टू 0 रहेगा बिकॉज वी आर इवेल्युएटिंग एट ओरिजिन. तो यहां पर अगर देखूं तो सिर्फ 3 बचेगा ये और बाकी सारी चीजें 0 0 0. सो आई विल हैव जस्ट दिस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इक्वल टू 3 बाय 2. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. आपको पूरा ये जितना भी टॉपिक में जो भी चीज थी मैंने करा दी है. इसके अलावा आपको नेक्स्ट आपको पोलर में और पढ़ना है रेडियस ऑफ कर्वेचर. जितना मैं कराऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना काफी है. क्वेश्चंस कुछ और डिफरेंट डिफरेंट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.